नजर बट्टू रकांडिया छोरे नजर बट्टू रबाबा के पोते नजर बट्टू रयाग लगा दे नजर बट्टू रकांडिया छोरे नजर बट्टू रबाबा के पोते नजर जी हाँ, लंबे सफर का मजा तो आप लोग लेते ही होंगे, लेकिन उससे पहले आपके 2 मिनट लेकर 4 बातें काम की करना चाहूंगी। अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नजर बट्टू के मुन्ना मुश्ताक की तरह आपका वेलकम क्यों कर रही हूँ, है ना? क्योंकि आपसे मिलवाना चाहती हूँ मैं उनको। आज के हमारे गेस्ट हैं नन अदर देन आपके प्यारे मुन्ना मुश्ताक, या चाहे आप उन्हें आपके शक्ति भाई कह लीजिए। तो प्लीज वेलकम मिस्टर अंकुर पाठक। पहला मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि आप सोशल मीडिया पे 3 नाम से मशहूर हो, अंकुर पाठक, मुन्ना मुश्ताक, शक्ति भाई। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? जो भी आपको पसंद हो। जो भी मुझे पसंद हो। मेरा पर्सनली फेवरेट जो करेक्टर है वो शक्ति भाई का है। ओके। और मुझे जितने भी अभी तक जैसा कि आपने प्रमोशनल वीडियो बनाई थी, तो मुझे जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो सब आए हैं मुझे शक्ति भाई से रिलेटेड। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ऑलमोस्ट सभी का ही फेवरेट जो कैरेक्टर है वो शक्ति भाई है। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि शक्ति भाई का कैरेक्टर आया कहाँ से? शक्ति भाई का कैरेक्टर, हम लोग एक स्क्रिप्ट कर रहे थे तो उसके दौरान कुछ बातें चल रही थी। स्क्रिप्ट के दौरान ही बातें चलती हैं, काफ़ी सारे डिस्कशन होते हैं। डिस्कशन में ये वो करेक्टर है जो हमने कभी अब मेरे आसपास मैंने देखा था लोगों को करते हुए, तो ऐसा सही मैं कुछ करके दिखा रहा था। तो राजेश भैया और शुभम भैया थे, उन्हें ये बहुत अच्छा लगा, तो वो करेक्टर स्क्रिप्ट में आ गया। पहली बार जो शक्ति भाई आया था, वो शक्ति भाई बहुत छोटे से चंक के लिए आए थे, लगा नहीं था वो कि आगे भी आएंगे या इतना बड़ा हो जाएगा वो रोल, और उसके बाद वो आते ही चला गया। ओके। कि आपके बारे में थोड़ी बहुत खोज करी है, मुझे ये पता लगा है कि आप पहले इंडिया गॉट टैलेंट में भी जा चुके हो, तब उस सफ़र के लिए आप कुछ बताओगे कि उस टाइम आपके साथ क्या हुआ था, और आप बेसिकली वहाँ पे गए क्यों थे, ऐसा क्या टैलेंट लेके गए थे वहाँ पे कि आपको इंडिया गॉट टैलेंट में आप सिलेक्ट हो वहाँ पर? अब जैसे उसके अंदर होता है कि आपको जो आपके अंदर टैलेंट आपको लगता हो वो तो आप जा सकते हो देने। मुझे लगता था मैं स्टैंड अप कॉमेडी अच्छी करता हूँ, मिमिक्री अच्छी करता हूँ, तो मैं वही करने के लिए गया था। तो आपने इसके रिलेटेड, मैंने जहाँ तक देखा आपने एक अपना यूट्यूब चैनल भी चलाया था अंकुर पाठक के नाम से, तो वो आपने बेसिकली किसके लिए, क्या पर्पज़ था कि इसी को आगे बढ़ाने मुझे एक्सप्लोर करना है? नहीं, ऐसा मतलब ये तो होता ही है कि अब हम कुछ चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो वो बड़े लेवल पे जाए, ये तो हर कोई ख्वाब सोचता है, मैंने भी सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे उसी पे ही काम करना था, उसे बहुत बड़ा बनाना था, ऐसा कोई बड़ा विज़न लेके नहीं गया था। हुआ क्या था कि बहुत ही मतलब मैं थिएटर करता था, क्या हुआ कि मतलब सर के साथ कुछ ऐसी स्थिति हो गई या कि उन्होंने थिएटर को उस टाइम के लिए बंद करना पड़ा। वो बड़ा अजीब सा समय था कि अब मेरे पास थिएटर करने को ही नहीं है, बहुत ही बुरा था। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि तू बहुत अच्छा करता है स्टैंड अप वगैरह, तो यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डाला था। फिर मैंने उसे चैनल वैनल बनवाया, मैं जाके यूट्यूब थोड़ा बहुत मैंने देखा तो मैं लग गया। मैंने फिर 2-4 वीडियो शूट किए, दिए, दोस्तों का रिस्पॉन्स अच्छा आया। बस मतलब फैमिली की साइड से आपको पूरा सपोर्ट मिलता था? ये कभी कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन कि ये काम कौन कर रहा है, कॉमेडियन क्या करते हैं, ये तो कभी होता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था, मेरे पापा आज भी मुझे सपोर्ट नहीं करते, मतलब वो सपोर्ट इन द सेंस ऐसा नहीं है कि कभी आपने समझाने की कोशिश नहीं करी, नहीं पापा मेरा इसी में इंटरेस्ट है तो मैं यही करना चाहूँगा? अरे अब जैसे कि आजकल के जितने भी पेरेंट्स हैं वो लोग अपनी जगह ठीक हैं, उन्हें लगता है कि अब बच्चा बड़ा हो गया, कमाए, पैसा ले आए, और अगर आज नहीं कमाएगा तो दुनिया धुतकारेगी उसे, वो अपने हिसाब से बहुत अच्छे से सोचते हैं, बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। लेकिन मेरा अपना विज़न है, मैं एक बहुत अलग दुनिया में रहता था शुरू से ही, तो बस वही था कि मेरा समझाने की मैंने कोशिश एक दो बार की भी थी, लेकिन फिर मुझे समझ आ गया कि वो ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो गलत कह रहे हैं, बस ये है कि इस समय थोड़ा सा। अच्छा भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता था, आपने थोड़े दिन पहले एक अच्छी सी वीडियो दी थी साइमन गांजे के ऊपर, हाँ बहुत ही अच्छी वायरल हुई, बहुत पब्लिक ने देखा, आपके बहुत अच्छे अच्छे फ़ैन भी बन गए, तो आपको ये नहीं लगता कि आपने जो साइमन गांजा जो वर्ड यूज़ किया है, जो आने वाले यूथ है
जिसको नहीं भी पता होगा इस वीडियो से उसके बारे में पता होगा, पता चल जाएगा और उनके लिए कुछ गलत इफेक्ट हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अगर पूरी वीडियो आपने देखी है तो मैंने उसके बारे में जितने भी उसके स्पेसिफिकेशन बताई है वो ऐसे ही बताई है कि आदमी ना ले, क्योंकि आज का जो यूथ है अगर आप उसको सीधे जाके कहोगे ना कि गुटखा मत खा तो कोई बड़ी बात नहीं है, माँ बाप भी ये कह रहे हैं, सब ये कह रहे हैं, उस पर कोई फर्क नहीं। आप कह दो उससे कि जा खा, तू खा रहा सही कर रहा है, जनसंख्या कम हो रही है, तेरे खाने से तो बहुत बढ़िया है, तेरे दांत सड़ जाएंगे, मुंह में कैंसर होगा, और क्या खा रहा भाई, तू खा बड़ी। तो शायद वो एक बार को सोचे कि हाँ यार ना खाऊं, बेइज्जती फील होनी चाहिए आज। और मैंने अब मेरा एक अलग तरीका है बोलने का, ऐसा नहीं है कि मैंने कि उसको अब सब अपने तरीके से प्रमोट कर रहे हैं कि मत खाओ। मेरा हमारा जो चैनल है, हम ये जो हम लोग हैं, हम लोगों ने थोड़ा अलग तरीके से इसको लेके आए हैं पब्लिक के सामने कि ना करो यूज़, इसका कोई अच्छा यूज़ नहीं है। आपके लिए ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ आप किस चीज़ को मानते हो? ज़िंदगी ज़िंदगी को खूबसूरत करने के लिए आपका क्या काम है? इसको खूबसूरत करने के लिए जियो अच्छे से। कैसे, मतलब कि किस तरीके से जो हमारे व्यूवर्स को बताइए आप? खूबसूरत आप देखिए, आदमी जो भी व्यक्ति है, जैसे आप हो मैं हूँ, सबका अपना एक विचारधारा है, दृष्टिकोण है कि वो अलग तरीके से दुनिया देखते हैं। अगर आपको जिसको दुख ढूंढना है वो दुख भी ढूंढ लेगा, हर जगह दुख ढूंढ लेगा, और जिसे खुशी ढूंढनी है, जिसे खुश रहना है, पहली बात तो खुश रहना भी तो एक इच्छा हो कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। अब जिसका मन ही है कि मैं यार दुखी ही रहूँ, कि मेरी ज़िंदगी में इतना ये है, मेरी ज़िंदगी में वो है फलां, तो वो तो फिर तो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। लेकिन जिसको रहना है कि वो जो चाहता है कि हाँ मैं खुश, मुझे खुश होना है, तो बहुत सारी चीज़ें। अब आप सुबह उठते ही आप अगर घासों की तरफ नज़र डालेंगे, सबसे जहाँ हम उतरते हैं पार्क वगैरह कहीं जाते हैं, पहला जो हमारा पैर या हमारी जो नज़र पड़ती है वो नीचे ही पड़ती है। अगर हम चलते वक्त हैं पार्क में एंटर हो रहे हैं तो आप देखेंगे घास पर छोटी छोटी बूंद होती है, उसकी बूंद होती है, वो बहुत प्यारी होती है, आप उससे भी खुशी पा सकते हो। आप उसका पैर, जब आपके पैर पे वो टच होता है, उसकी एक बहुत अलग ही, उसका स्पर्श बता भी नहीं सकता कितना अच्छा होता है, बहुत बहुत प्यारा होता है। और कहते हैं उससे, लोग कहते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान के साम पीछे एक औरत का हाथ होता है, फिर चाहे वो बीवी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो बहू हो, चाहे बेटी हो, कोई भी हो, आपके पीछे किस औरत का हाथ है? मेरे पीछे मेरे एक नहीं, बहुत सारी औरतों का हाथ है, मेरे दोस्तों की माँओं का बहुत हाथ है, मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है, मेरी बहन का बहुत बड़ा हाथ है। इवन मेरी बहन से जुड़ा हुआ एक बहुत प्यारा सा किस्सा है कि मेरी बहन, मेरे भाई बहुत सपोर्ट करते थे मुझे, जिन दोनों मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, तो मेरे से छोटे हैं वो, बट उनके पास मुझसे ज़्यादा अच्छा किस्सा, मतलब लक्ष्मी की उनसे अच्छी बनती है तो वो मेरी जेब में चुपचाप पैसे रख देना, मेरे लिए कुछ ले आना, जैसे उन्हें पता है कि भाई को कपड़े चाहिए तो वो कोई टी शर्ट ले आएगी मेरे लिए, कि टी शर्ट ले आई भाई के लिए, तो बहुत सपोर्ट रहा है कि मेरे दोस्तों की जितनी भी माएँ हैं वो मेरे लिए सपोर्ट करती हैं, जो मेरे अब जो मेरे जो साथ जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके, मैं भी राजेश भैया जो हैं मेरे, उनकी मम्मी से मिला था तो उनसे पैर वैर छुए, तो शायद उन्हें पता भी नहीं है, उनकी मम्मी ने मेरे को बहुत अच्छे से सबसे पहले यही किया कि बहुत आगे जाए बेटा तू, और वो बहुत ये छोटी छोटी बातें होती है, शायद लोगों को फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता, मुझे बहुत पड़ता है, मुझे बहुत पड़ता है। मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ हूँ या मैं यहाँ से कहीं भी जाऊँगा तो उस एक एक दुआ का बहुत असर है मेरे ऊपर, जिन्होंने मेरे पे सर पे हाथ रख के कहा है कि तू आगे जाएगा, तो मुझे लगता है कि जो मैं एक एक स्टेप बढ़ रहा हूँ वो सब उन्हीं का ही, वो एक एक हाथ मेरे लिए सीढ़ी बन रहा है। तो मुझे अब लग रहा है व्यूअर्स को पता लग रहा होगा कि शक्ति भाई अलग है, मुन्ना मुश्ताक अलग है, लेकिन ये वाले तो इमोशनल अंकुर पाठक अलग है, लेकिन रियल लाइफ थोड़ी इनकी अलग चलती है। और एक और था कि आप थिएटर को अपने लाइफ में ऐसा क्या मानते हो, आप उसकी क्या वैल्यू रखते हो थिएटर की, आपके लिए थिएटर एक्चुअली में है क्या? यार वैल्यू तो मैं किसी चीज़ की लगा ही नहीं सकता, वो एक यार वो धरोहर दी हुई है ना परमात्मा ने हमारे देश को, या जो हमें मिल, जो मेरे को मिल गई, वो मुझे बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बड़ा थैंकफुल हूँ मैं परमात्मा के कि मुझे वो मिला, मैंने वो कुछ समय बिताया, बहुत अच्छे से मैं नहीं कर पाया कि मैं जिस हिसाब से करना चाहता था, कि मैं चाहता था, मेरे को सिनेमा का इतना वो है ही नहीं, था ही नहीं कि मुझे सिनेमा चाहिए, मुझे चाहिए मैं उसको जीना, अभी मैं आया ही था कि मुझे कुछ चीज़ें समझ में आने लगी थी, बट वो ऐसा हुआ कि थिएटर कुछ समय के लिए बंद हो गया। बट उसको मानना वो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर कोई आर्टिस्ट है तो मैं, मेरे पास शब्द नहीं है उन्हें बयान करने के लिए, मैं कोई अगर कोई जैसे कि होता है ना कि भूखे को रोटी मिल गई, रोटी से अब उससे पूछो रोटी की क्या कीमत है, वो कीमत नहीं बता सकता कि यार उस समय मुझे भूख लगी थी, मुझे रोटी मिली तो
वो वाला हिसाब है कि मुझे भूख है, मुझे जब भी थिएटर मिलता है, जब भी मौका मिलता है मैं करता हूँ, और मुझे अगर मुझे स्टेज पे नहीं भेजा जाता, आसपास भी रखा जाता है, मेरे लिए वो भी ऑनर की बात है। मुझे बड़ा लगता है कि मेरी औकात बढ़ गई कि मेरे को इस लायक समझा गया। जैसे बट प्रोडक्शन के साथ लगे कि आपका कैसा मतलब कैसे स्टार्टअप हुआ उनके साथ? सबको ये पता है कि आप उनके साथ काम कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो। अच्छा, जुड़े कैसे? जुड़े कैसे? मैं कुछ वीडियो बनाता था, जैसा आपको पता है वीडियो बनाता, तो मैंने वो पेज पे डाली थी। जैसे मुझे पता चला गया प्रमोशन ऐसे भी होता है, तो अमीन भैया जो हैं, जिन्हें शायद अमीन खान के नाम से आप लोग जानते हो, अमीन भैया ने वो वीडियो देखा, उन्होंने मुझे उसी रात कॉल मतलब फेसबुक पे ढूंढा, मुझे मैसेज किया कि कॉल मी। ओह माय गॉड, तो आज भी वो मैसेज सेव है। तो मैं फिर मैंने भैया को कॉल किया, भैया ने मुझे डायरेक्ट बोला कि मिलने आ जा, तेरा ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। कुछ टाइम तक मैं मिल नहीं पाया, वही कि मेरा टाइमिंग सेट नहीं बैठ रही थी। फिर हम मिले, मिलने के बाद भैया ने बताया कि ऐसे ऐसे तेरा जो वीडियो का कॉन्सेप्ट था मुझे बहुत पसंद आया, तो मुझे अच्छा लगा कि ठीक है भैया को अच्छा लगा। भैया ने कहा कि करते हैं इस पर कुछ वीडियो बनाते, मैंने कहा ठीक है। फिर राजेश भैया, शुभम भैया से मैं मिला उस दिनों, तो उन दिनों तो उस वक्त तो मैं ऐसे बैठा था बिल्कुल। फिर एक दो बार और मिलना हुआ हमारा आपस में ही, वैसे ही अभी भी तो गाय की तरह ही बैठे हो। ये फर्स्ट मीटिंग में ही होता है कि गाय की तरह बैठना है कि नहीं? मैं हर मीटिंग में ही होता है, मैं ऐसे ही बैठता हूँ। नहीं, कुछ टाइम बाद फिर मैं हो जाता हूँ, जब मस्ती करता हूँ तो मस्ती करता हूँ। और उसके बाद फिर भैया ने मेरे लिए जब स्क्रिप्ट लिखी तो कई करेक्टर लिखे थे, एक में मैं आ ही नहीं पाया, कुछ प्रॉब्लम चली थी। लेकिन उसके बाद पंडित जी जो करेक्टर आया था, फिर वो हीरा फेरी के अंदर, वहाँ से फिर लिखा किया, और उन्हें बहुत बिलीव था कि तू बहुत अच्छा करेगा, और हुआ। उसके बाद से सफ़र जारी हुआ, लिखते चले गए। आज भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब ये है कि बहुत हद तक मेरे को बहुत सपोर्ट रहता है, पूरी टीम से सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहता है। तो बचपन से आपका ये ड्रीम था कि मेरे को थिएटर में ही कुछ करना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, बचपन से मैं टीवी का बहुत शौकीन था। अच्छा, मुझे मेरी मम्मी बताती है कि मैं टीवी बहुत देखता था, मैं चार घंटे टीवियाँ देखता था, मैंने 7-7 घंटे भी टीवी देखा। लोगों के लंच हो जाते थे, ब्रेकफास्ट हो जाता था, और मैं टीवी के सामने थे, तो जो मकान मालिक थे वो डॉक्टर थे, उनके यहाँ टीवी था, तो मैं जाके उनके घर में बैठ जाता था। वो होती है ना, माएँ कह देती हैं कि अरे तुम 2 मिनट बिठा लो, मैं घर का काम निपटा लूँ, बस वो काम निपटा लेती थी सारा, और मैं टीवी देखता रहता। और ये शौक मेरा अभी आके जब मैं गायन की तरह बैठकर, हाँ वो वैसे ही बैठा रहता था, हाँ वैसे ही मैंने पूरा टीवी का बहुत शौकीन था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि एक्टर ही बनूंगा, ये तो मुझे अभी पता चला कि मुझे ये काम बहुत पसंद है। तो मतलब कि जब आप थिएटर करते थे या अभी भी करते हो, तो आपको अभी भी मतलब कि ये होता है कि मैं बॉलीवुड में जाऊँगा भी? मुझे जहाँ से काम आएगा मैं वहाँ जाऊँगा, बॉलीवुड क्यों, मैं हॉलीवुड बुलाएगा हॉलीवुड भी जाऊँगा। एक बढ़िया क्वेश्चन मुझे क्लिक हुआ, अगर आपको बॉलीवुड से ऑफर आया, आपको हीरो बना दिया किसी मूवी का, ठीक है कौन सी हीरोइन के साथ काम करना चाहोगे आप? जो मेरे साथ कंफर्टेबल है। नहीं, ये कोई आपने सोची तो होगी। अच्छा, जो मैंने सोची हो, ये तो बहुत यार, कोई इंग्लिश वाली का नाम बता दो। बॉलीवुड से मैंने कहा, बॉलीवुड से, सॉरी इंग्लिश वाले ढूंढ लो, मुझे पता चल रहा है। गाय नहीं, बॉलीवुड से मैं दीपिका पादुकोण, वो लंबी बहुत है पर। ऐसे कैटरीना भी ले सकते थे, वो भी इंग्लिश वाली है भाई। नहीं नहीं, अब जब अभिनय हो रहा है तो फिर अभिनय की बात होगी ना। चलो, आजकल के भी जो हमारे साथ के बंदे हैं जो कि थिएटर करना चाहते हैं, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है उनके साथ, फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा, फाइनेंशियली वीक होते हैं, या कोई उन्हें सपोर्ट करने के लिए नहीं होता, तो मतलब उनके लिए ऐसी क्या टिप्स देना चाहोगे कि उन्हें आगे हेल्प करें उनकी सक्सेस में? अब जैसे है ना कि आप कभी वही के मतलब परेशानी तो आनी चाहिए ना, अगर आप परेशानी से बच के आसानी से सब कुछ ही पालोगे तो उसका मज़ा नहीं है। बिना हार के जीत का स्वाद नहीं पता, तो ये मुझे चाहिए, मुझे समझ नहीं आता कि लोग इस चीज़ से डरते क्यों हैं। अगर पेरेंट्स खिलाफ़ है तो ऐसा नहीं है कि सभी के पेरेंट्स साथ भी होते हैं, अगर खिलाफ है तो ठीक है। मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्हें नहीं समझ आता थिएटर, तो मैं डेली समझाने तो नहीं बैठ सकता ना,
कि मैं समझाऊं उन्हें, लेकिन हाँ आज जो मैं काम कर रहा हूँ मैं वो उन्हें दिखाता हूँ, या आने वाले टाइम में कुछ ऐसा बड़ा अचीव हो जाता है तो मुझे पक्का लगता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उनकी सोच बदलेगी थिएटर को लेकर। थिएटर कोई ऐसा नहीं है, लोग यार लोग पूरी ज़िंदगी दारू पी के ख़त्म कर देते हैं, एटलीस्ट मैं वो तो नहीं कर रहा। मेरा एक अलग शौक है जो मैं करना चाहता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरे आसपास के समाज में वो कम लोग करते हैं या बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि मैं ये करूँ, मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है मुझे से खुशी मिलती है, चाहे मुझे नहीं मिलता खाना टाइम से, नहीं खा पाता मैं खाना, मैं घर में टाइम से नहीं जा पाता, बट कोई बात नहीं, थिएटर एक अलग चीज़ है, उसका अलग स्वाद है, नहीं समझ सकते लोग, सबको थोड़ी समझाऊँगा। तो इसी को मैं आपके शॉर्ट में क्वेश्चन पूछने जाऊंगा, आपके लिए की टू सक्सेस क्या है? एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगी, की टू सक्सेस जैसे मैं हमेशा लास्ट में पूछती हूँ, उससे पहले एक और टास्क है आपके लिए। हाँ मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूँगी कि वो मुझे वो बॉक्स दें ज़रा, जैसा तो कि हमने कई बार अंकुर भाई को देखा है कि वो मैकेनिकल गुरुजी बन गए अनबॉक्सिंग करते हैं। आज मैं ये नोकिया 105 जो कि बहुत भारी भरकम फोन है, और ये इसे जरा बेच के दिखाएंगे। मैंने सुना है, देखा है आपकी वीडियोस में कि आप हमेशा डीलिंग में अनसक्सेसफुल रहे हैं, देखा है। मैं डीलिंग मतलब डीलिंग अच्छे से कूलेस्ट डीलर हैं, बट लास्ट में आके कोई ना कोई हो जाता है आपकी तरह। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, तो अब ये जरा आप इसको अनबॉक्सिंग करके बताइए, अनबॉक्सिंग कीजिए, इसको अनबॉक्स करना है अपने तरीके पे। ठीक अपने तरीके से। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं नोकिया 105 की अनबॉक्सिंग। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है गत्ते का एक बॉक्स। जी हाँ, चारों तरफ नोकिया नोकिया लिखा हुआ है, छोटा सा एक फ़ोन इस पर छपा हुआ है जिसके ऊपर लाइट भी जल रही है, पता नहीं अंदर लाइट जलेगी कि नहीं। चलिए दोस्तों इसको अनबॉक्स करते हैं। इसके यहाँ से आप देखेंगे बॉक्स को ओपन करने के लिए डब्बा दिया गया है, इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसके अंदर फ़ोन रखा हुआ है, इसके अंदर एसेसरीज चेक कर लेते हैं एक बार। एसेसरीज इसके साथ कुछ नहीं मिली है, कुछ कागजात मिले हैं, ये किसी के घर के तो नहीं लगते हैं, ठीक है, लगते हैं इसके साथ के ही हैं। साथ में एक बिल भी है, मुझे लगता है बिल इसके साथ क्यों दे दिया, ये पुराना सा फ़ोन लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, चलिए फ़ोन ऑन करके देखते हैं इसको। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ऑन भी नहीं हो रहा है। जी हाँ, नोकिया का ये पहला फ़ोन है जो ऑन नहीं हो रहा है। अगर मैं किसी के फेंक के मार दूंगा तो सर भी फोड़ा जा सकता है इससे। बहुत ही टिकाऊ और ज़बरदस्त फ़ोन है, इसके साथ चार्जर भी नहीं दिया गया है, ये सालों साल रखे रहने के लिए फ़ोन बनाया गया है। चलिए दोस्तों, जैसा कि नोकिया दुनिया से हमारी इंडिया से भी जा चुकी है, तो मैं कोशिश करूँगा जैसे कि मेरे पास ये डब्बे में। मैं अपने पुराने क्वेश्चन पर फिर से वापस आऊँगा कि की टू सक्सेस आप किस चीज़ को मानते हो? मेहनत को। मेहनत के अलावा कुछ और तो कुछ मेरे को लगता नहीं, मेरे को नहीं लगता ना, मेरे को पता है कि ऐसा कुछ और भी होता है और ना मैं जानना चाहता हूँ। अगर मेरी मेहनत तो आजकल हर कोई करता है बट उसे सक्सेस नहीं मिल पाती। अब लाइक मेहनत तो किसान भी करता बट रहता तो किसान ही है, तो हर चीज़ मेहनत से नहीं हो पाती। हाँ तो मैं भी अगर मेहनत करूँगा तो मैं एक्टर ही रहूँगा, मैं कोई किंग तो हो नहीं जाऊँगा। जैसे कि अगर किसान मेहनत कर रहा है तो अगर वो अपने लेवल पे सक्सेस है, आप नहीं जानते वो। आप अगर कोई ये अलग बात है कि उनके साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, वो मैं नहीं जानता ना, मैं उसमें पढ़ूंगा क्योंकि मुझे उसका ज्ञान ही नहीं है। जैसे इन्होंने छेड़ा इस वजह से मैंने कहा, मेहनत अगर कोई भी किसी भी लेवल पे कर रहा है वो सक्सेस है, आप उससे पता कर सकते हैं या उसके आसपास देख सकते हैं, अगर वो अपने से साथ वाले से या कैसे भी, मतलब होता है यार, मेहनत के अलावा मुझे समझ में नहीं आता। हार्डवर्क अगर आप कर रहे हो हार्डवर्क तो उसका फल आपको मिलेगा, वो कोई रोक नहीं सकता। अब मैं वाइंड अप करते करते, जैसा कि आपने कहा था प्रमोशनल वीडियो में कि आप मुझसे ज़रा अपने मेल में क्वेश्चन पूछिए, तो मुझे काफ़ी सारे मेल्स आए थे लेकिन मैं उसमें से दो ही सिलेक्ट कर पाई जो मुझे बेस्ट लगे। ओके तो सबसे पहला क्वेश्चन सौरभ का है और वो पूछ रहे हैं कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। बट आई एम इंटरेस्टेड इन थिएटर। ओके और मेरे पेरेंट्स मुझे वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। हाँ तो मैं उन्हें कन्विंस कैसे करूँ? सबसे पहले तो यही है कि अगर आप थिएटर भी करना चाहते हैं तो लॉ कंप्लीट करो, स्टडी कंप्लीट करो जिस भी लेवल पे आप थे। अगर आप थिएटर प्रेफर करते हैं कि मैं थिएटर करूं, मैं अपनी लाइफ में थिएटर को अहमियत देता हूं, तो थिएटर भी स्टडी को उतना ही अहमियत देता है। अगर आप लॉ करके साथ साथ थिएटर करते हो तो मुझे नहीं लगता किसी के पेरेंट्स मना करेंगे। आप दो चार घंटे पहले थिएटर समझ लो होता क्या है,
ऐसा नहीं है कि आप थिएटर गए और 6 महीने बाद 6 साल बाद 10 साल बाद कोई गारंटी नहीं है कि आप वहाँ से निकलोगे तो आप बहुत बड़े एक्टर होगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पहले आप थिएटर को समझ लो, थिएटर को महसूस कर लो, अगर आपने उसको महसूस भी कर लिया तो शायद आप एक्टर हो जाओगे। ऐसा भी तो नहीं है ना कि लॉ करके अच्छे लॉयर ही बन के निकलेंगे। हाँ ये तो कहीं भी नहीं है ना, बस वही है कि महसूस वाली बात है। आपने देखा होगा लॉयर इतने लोग पास करते हैं ना, हमारे देश में सबसे ज़्यादा एडवोकेट ही हैं, लेकिन आप उंगली पे गिन सकते हो जो बहुत सारे बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस है। क्यों? क्योंकि सेम चीज़ जगहों से वो भी पढ़ के आए हैं, सेम किताबों से वो पढ़ते हैं, लेकिन वो बड़े इसलिए क्योंकि उन्हें वो बनना था, उनके पास वो चाहत थी, उन्हें वो पाना था, उन्हें वो करना था, इसलिए वो अलग थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो सेम में वही बात है, उनसे ही कहूँगा अगर आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपको अगर बनना वो है तो वो आपको बहुत बहुत जो हम पढ़ते हैं वो वेस्ट नहीं होता कभी भी, और थिएटर में तो कभी कुछ भी पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं होता। आप दलबीर सतबीर दोनों के साथ काम करते हैं, तो आपके फेवरेट कौन है दोनों में से? ये तो बहुत कठिन दिया यार, ये बहुत कठिन दिया, मतलब तो देना ही है, अब जनता का सवाल है। मैं बिल्कुल बिल्कुल ना, मैं एक जवाब जरूर मैं मानती हूँ कि एक धर्म नहीं 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मामलों में मुझे शोम भी अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ मामलों में मुझे राजेश भी अच्छे लगते हैं। मीन्स जब मैं स्क्रीन पे हूँ, अगर मुझे कोई सीन करना है तो मैं हमेशा कहूँगा कि मेरा इनके साथ इंटरेक्शन हो, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी है, मुझे पता है वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। और तो वो इनके साथ कौन है? हाँ स्क्रीन वाले राजेश भैया, दलवीर, दलवीर भैया, दलवीर भैया के साथ मेरा स्क्रीन सतबीर ऑफ स्क्रीन भी। हाँ आप कह सकते हो, अब तो बोलना ही है, एक तरफ सेफ खेलना है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आप अपने फैन के लिए अपना कोई फेवरेट डायलॉग बोल दो। मेरा अपने किसी कैरेक्टर में? मैं अपने किसी कैरेक्टर में बोल दूं? आपका वैसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? शक्ति भाई या मुस्ताक? मेरी मैकेनिकल गुरुजी। नहीं, दुकानदार की दुकान का सारा माल अच्छा होता है और सारा उसका फेवरेट होता है। तो मेरा ऐसा कोई भी नहीं कि मैं उसमें से एक कह दूं कि ये अच्छा नहीं, सारे बहुत। तो फैन के लिए अब कोई मैसेज दीजिए और अपने फेवरेट कैरेक्टर में, यानी मैसेज या एक डायलॉग दे दो। मैसेज देना हो? हाँ मैसेज क्या ही दूं, और अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर में, जैसे शक्ति भाई का अगर आप कैरेक्टर उठा रहे हैं तो उस भाषा में जरा। अच्छा अच्छा, शक्ति भाई, शक्ति भाई, मुन्ना मुश्ताक कोई भी, आई थिंक मुन्ना मुश्ताक बहुत ज़्यादा कूल है, बट शक्ति भाई मेरा भी फेवरेट है। तो हाँ भाई, इसलिए मैंने कहा यार अब बैठा हूँ साथ में तो शक्ति भाई कर दूँ। शक्ति भाई का कोई मैसेज? ठीक है, मैसेज वाला थोड़ा सा हिसाब किताब अलग हो जाता है, क्योंकि मेरे को लगता नहीं मेरी बात कोई सुनेगा। अच्छा ठीक, बहुत लोग सुनेंगे। हाँ भाई चल, सबको दारू से दूर रहना है, तुम्हें बता रहा हूँ, ये सिर्फ अफवाह उड़ी हुई है कि दारू पीने से कीड़े मरते हैं। मैं कब से पी रहा हूँ, मैं अभी तक नहीं मर रहा, समझ रहा हूँ। तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहोगे, नजर उट्टू को सपोर्ट करोगे, वीडियोस देखोगे, इस इंटरव्यू को खूब लाइक करना, इस चैनल को सपोर्ट करना, ठीक है? और चले सो जा, डन। आप लोग अपने घर पे बैठ के हंसिएगा। तो ये थे हमारे अंकुर पाठक, बिल्कुल जो आप देखते हैं शक्ति भाई, मुन्ना मुश्ताक या मैकेनिकल गुरु, उसके बिल्कुल अलग, बट बहुत ही इंस्पिरेशनल। तो गाइस ये था हमारा आज का इंटरव्यू, नाउ आई सी ऑन द अदर साइड। नजर बट्टू रकांडिया छोरे नजर बट्टू रबाबा के पोते नजर बट्टू रयाग लगा दे नजर बट्टू रकांडिया छोरे नजर बट्टू रबाबा के पोते नजर बट्टू रयाग लगा दे नजर बट्टू।